अगली खबर में बात करते हैं सतना की, जहां सिविल लाइन थाना पुलिस ने रविवार की देर शाम बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 14 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इस सिलसिले में एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अंदेशा है कि और भी गाड़ियां मिल सकती हैं, लिहाजा आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। महेंद्र सिंह चौहान ने बताया, जिले में वाहनों की चोरी को देखते हुए पुलिस ने जबरदस्त तरीके से जांच अभियान चलाया है। इसी के चलते सिविल लाइन पुलिस ने रैंगांव मोड़ पर खड़े कुछ युवकों से उनके नाम पते पूछे और गाड़ियों के दस्तावेज मांगे, तो मौके पर युवकों से सही जवाब नहीं मिला, जिससे पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और थाने में ले जाकर पूछताछ की। तब पता चला कि युवक चोरी का काम करते हैं। पुलिस ने पूछताछ के दौरान एक एक करके 14 मोटरसाइकिलें अलग अलग ठिकानों से बरामद कर ली है। पकड़े गए आरोपी मास्टर चाबी की मदद से भीड़ भाड़ वाले इलाकों बाइक चोरी करते थे। इनके द्वारा नागौद, उचहरा, रीवा और छतरपुर में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बाइक चुराने के लिए यह लोग मास्टर का इस्तेमाल करते थे, बाद में गाड़ियों के नंबर प्लेट बदल देते थे ताकि गाड़ी पहचान में नहीं आए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दर्जनों नंबर प्लेट बरामद की हैं, जिनमें लिखा हुआ नंबर फर्जी है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड में लिया है, जिनसे और भी चोरी की बाइक बरामद होने का अंदेशा जताया है। आपको मालूम है कि शहर में कई दिनों से गाड़ियां चोरी हुई हैं, हॉस्पिटल से, कहीं अदालत परिसर से, भिन्न भिन्न जगह से हुई है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा TI सिविल लाइन रचना द्विवेदी की इसमें टीम बनाई का गठन किया गया था। ये टीम लगातार मोटरसाइकिल चोर गैंग के पीछे पड़ी हुई थी। कल इनको एक सूचना मिली थी, कुछ लड़के रहगा मोड़ के पास खड़े हुए हैं और संदिग्ध आचरण पर, इस पे से उनको चेक किया गया था। 5 लड़के थे, 2 मोटरसाइकिल में, और उनकी गाड़ियों जो वो ढंग से जवाब नहीं दे पाए, उनकी गाड़ियों के नंबरों की सर्च की गई तो 36 नंबर इंजन नंबर से मिलान भी नहीं पाए। इस संदेह के आधार पर उनको अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई थी और 5 लोग उनमें से गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से मुख्य रूप से शरद विश्वकर्मा है, सूरज कुशवाहा है, विजय चौधरी है, छोटूर भगवान दीन है और एक अपचारी बालक है। इनसे हम लोगों ने भिन्न भिन्न जगह से, जैसे नागौद, उचहरा और रीवा आदि जगह से चुराई गई 14 मोटरसाइकिलें अभी तक बरामद की गई हैं। उन्हें पुलिस रिमांड पे लिया गया है, जिससे और पूछताछ की जा रही और भी ज़्यादा गाड़ियाँ मिल रही संभव है। जिले के बाहर से भी गाड़ियाँ चोरी? जी हाँ, जिले से बाहर से जो गाड़ी अभी बरामद हुई है, रीवा से एक चोरी गाड़ी बरामद हुई है, छतरपुर से भी चोरी करना पाया जा रहा है और लगातार पूछताछ की जाकर और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे गाड़ियाँ बरामद होने की संभावना है। किस तरीके का गिरोह है, अंतर्राज्यीय या ये अंतर जिला? अंतर्राज्यीय तो है ही गिरोह, और ये भिन्न भिन्न जिलों में जाकर मास्टर चाबी की जो लिए रहते हैं, उससे गाड़ी भीड़ भाड़ इलाके में जाके उनकी चाबी लगा के गाड़ियाँ वहाँ से उठाते हैं। साथ में 2 लोग अक्सर रहते हैं, एक स्वयं की गाड़ी लेके जाते हैं और उन गाड़ियों में फिर फर्जी नंबर प्लेट तत्काल ही वहाँ से उठाने के बाद, जैसे उनको मौका मिलता है, तो एक फर्जी नंबर प्लेट उन गाड़ियों पे लगा लेते हैं, जिससे गाड़ियाँ नंबरों से पकड़ी जा सकती।